Hello dear students, welcome to Agri Study Point. I am Kalpana Yadav and in today's lecture we will study about tomato cultivation. तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इसको किस किस नाम से जाना जाता है टोमेटो को. सो टोमेटो को हम वुल्फ एप्पल भी बोलते हैं, इसको विलायती बैंगन भी बोलते हैं, ठीक है, पुअर मैंस ऑरेंज भी कहा जाता है. अब साइंटिफिक नेम की बात करें, अकॉर्डिंग टू लिनियस इसको साइंटिफिक नेम है सोलेनम लाइकोपर्सिकम एंड अकॉर्डिंग टू मिलर इसको लाइकोपर्सिकोन एस्कुलेंटम भी बोला जाता है. एंड लाइकोपर्सिकोन जो एस्कुलेंटम है वो क्या है, एक कल्टिवेटेड स्पीशीज है. एंड लाइकोपर्सिकोन जो पिम्पाइली फोलियम है दैट इज वाइल्ड फॉर्म, ठीक है. उसके बाद बात करें इसकी फैमिली, फैमिली क्या है इसकी, सोलेनेसी, ठीक है. सोलेनेसी इसकी फैमिली है जिसके अंदर हम ब्रिंजल को भी पढ़ते हैं, ठीक है, मिर्ची पढ़ते हैं, वो सब इसके अंदर आता है. आफ्टर दैट क्रोमोजोम नंबर, क्रोमोजोम नंबर इसके अंदर क्या है, 24. ये ट्रू टू टाइप है, जितने भी लाइकोपर्सिकोन की स्पीसीज हैं उनका सबका क्या है, क्रोमोजोम नंबर 24 है. उसके बाद बात करें ओरिजिन, ओरिजिन इसका है पेरू और मैक्सिको. ये पड़ता है कहाँ, ट्रॉपिकल अमेरिका या साउथ अमेरिका के अंदर, ठीक है, ये इसका ओरिजिन है. एंड एडिबल पोर्शन हम क्या खाते हैं इसके अंदर, एडिबल पोर्शन है दैट इज फ्रूट. एडिबल पोर्शन क्या है, फ्रूट खाते हैं हम. एंड टाइप ऑफ फ्रूट की बात करें, टाइप ऑफ फ्रूट है इसके अंदर बेरी, मल्टी सीडेड बेरी होती है. एंड इसके अंदर क्या होते हैं, 2 to 12 लोक्यूल्स होते हैं, ठीक है. लोक्यूल्स क्या होते हैं, जब भी हम टोमेटो को काटते हैं तो इसमें जैसे पार्टीशन बन जाते हैं, तो इसके अंदर क्या है, 2 लोक्यूल हैं, ठीक है. उसी तरह कई पार्टीशन बन जाते हैं, किसी के अंदर कम होते हैं, किसी के अंदर ज़्यादा, तो ये रेंज वेरी करती है 2 से 12 के बीच में, ठीक है. आफ्टर दैट बात करें साइम, स्किन फ्लोरिसेंस क्या है, स्किन फ्लोरिसेंस क्या है, साइम, ठीक है. अब साइम क्या होते हैं, साइम एक होती है रेसिमोज, एक होती है साइमोज, ठीक है. जो रेसिमोज होते हैं उसमें क्या होते हैं, जो रेसिमोज होते हैं उसमें क्या होता है, मेनली मेन एक्सिस ग्रो करता रहता है, ठीक है, और साइड में ऐसे ब्रांचिंग आती रहती है, पर मेन एक्सिस ग्रो करता है. उसके अंदर जो यंग फ्लोर है वो ऊपर की साइड होते हैं और जो ओल्ड फ्लोर है वो नीचे होते हैं. बट जो हमारा साइम है उसके अंदर क्या होता है, मेन एक्सिस ग्रो करके यहाँ पे टर्मिनेट हो जाता है. एंड आफ्टर दैट नया एक्सिस यहाँ पे ग्रो करता है, ठीक है, दूसरा इसके अंदर ग्रो करता है. किसी में ये इस प्रकार से ग्रो करता है, जैसे पहले ये गया फिर ये, तो ऐसे अल्टरनेट जिग जैग फॉर्म में भी होता है, ठीक है. तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ साइम होते हैं, ठीक है, इसमें सिंगल साइम भी हो सकता है या कंपाउंड साइम भी हो सकता है. तो ये क्या है, साइम, इसके अंदर जो ओल्ड फ्लोर होता है ये यहाँ पे होता है टॉप पे, ठीक है, ओल्ड फ्लोर ये बीच में होता है. तो सिंगल साइम क्या होता है, जैसे ये क्या है, सिंगल साइम है. अगर मल्टी कंपाउंड साइम में क्या होगा, ये ऐसे होगा, मतलब एक ये साइम है, ये एक से ज़्यादा साइम जब होंगे तो ये क्या हो जाएगा, कंपाउंड साइम. तो ये इन्फ्लोरिसेंस की टाइप होती है, तो आपको जब इन्फ्लोरिसेंस की टाइप पूछे तो क्या होगा, साइम. उसके बाद हम बात करें इसके अंदर कि क्लस्टर ऑफ फ्लोवर जो होते हैं इसके अंदर उसको क्या बोलते हैं, ट्रस, ठीक है. जो मेनली इंडिटर्मिनेट वेराइटीज होते हैं उसके अंदर क्या होता है, एक क्लस्टर बन जाता है ऐसे, ठीक है, इन पे फ्लावर लगते हैं और बाद में उन पे ऐसे फ्रूट आता है, ठीक है. तो जो क्लस्टर ऑफ फ्लावर होता है उसके अंदर उसको क्या बोलते हैं, ट्रस बोलते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसमें हम बात करें जो ये लाइकोपर्सिकोन है इसके अंदर क्या है, स्पीसी, सब स्पीसीज आती हैं, ठीक है. इसकी अदर 5 फॉर्म्स के अंदर इसको डिवाइड किया गया है. सबसे पहले है लाइकोपर्सिकोन एस्कुलम, इसके अंदर स्पीसीज वैरायटी है एस्कुलेंटम, ठीक है. इसमें ये जो एस्कुलेंटम वैरायटी है इसमें क्या होता है, ये कॉमन गार्डन टोमेटोज होते हैं, ठीक है. एंड ये वेरी करते हैं अपनी ओवरऑल ग्रोथ हैबिट, इनकी वेरी करती है फ्रूट क्वालिटी में, ठीक है, फ्रूट कैरेक्टरिस्टिक वगैरह. और इसके अंदर जो हमारी वैरायटी है वो क्या यूज करते हैं हम, सेलिब्रिटी, ठीक है. उसके बाद हम देखें नेक्स्ट है हमारी वैरायटी जो इसमें सीरेसी फॉर्म, सीरेसी फॉर्म क्या आता है, चेरी टोमेटो. जो चेरी टोमेटो जो होते हैं ये छोटे छोटे टोमेटोज होते हैं, बिल्कुल स्मॉल साइज के होते हैं, ठीक है. सो ये क्या है, टिपिकली स्मॉल फ्रूटेड होते हैं, ठीक है. जो डायमीटर होता है वो लेस देन 2 और अप्रोक्स 5 सेंटीमीटर कह सकते हैं इसके अंदर डायमीटर है इसका, ठीक है. और इसके अंदर वैरायटी है स्वीट 100, ठीक है. इसके बाद बात करें है हमारी थर्ड वैरायटी है लाइकोपर्सिकोन एस्कुलेंटम है, उसके अंदर वैरायटी कौन सी है, पायरीफॉर्म. पायरीफॉर्म में क्या है, पियर टोमेटो है, ठीक है, पियर शेप टोमेटो है ये. एंड दिस बियर पियर शेप फ्रूट, यूजुअली दिज आर अप्रोक्सीमेटली 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, ठीक है. इसके अंदर वैरायटी क्या है, येलो पियर,
ओके। उसके बाद हम बात करें, फोर्थ है हमारा वेराइटी ग्रैंडीफोलियम। ग्रैंडीफोलियम में कौन से आते हैं? पोटैटो लीव्ड टोमेटो, ठीक है। इसके अंदर जो लीव्स हैं वो रिजेंबल करती है पोटैटो से। इसमें क्या होता है, लीव्स आर लार्ज एंड एंटायर विथ फ्यू सेकेंडरी लीव्स, ठीक है। इसमें कौन सी हम वेराइटी यूज करते हैं? ब्रैंडीवाइन, ठीक है। उसके बाद बात करें वेराइटी वैलिडियम, उसमें क्या है? अपराइट टोमेटो, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्लांट जो होते हैं वो अपराइट होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं, इरेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये पांच इसमें डिफरेंट टाइप की फॉर्म्स है, फाइव फॉर्म्स अंडर जीनस लाइकोपर्सिकोन, ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें टोमेटो के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि टोमेटो क्या है, एक प्रोटेक्टिव फूड है, ठीक है। प्रोटेक्टिव फूड है टोमेटो। एंड जो लीडिंग टोमेटो प्रोड्यूसिंग कंट्री है, सबसे पहले कौन सी है? चाइना, उसके बाद है इंडिया और फिर है यूएसए, ठीक है। जो करंट में जो ट्रेंड चल रहा है वो है सबसे पहले चाइना, इंडिया एंड देन यूएसए। आफ्टर दैट इसके न्यूट्रिएंट कंटेंट की बात करें तो इसके अंदर विटामिन सी भरपूर मात्रा में मिलता है, जैसे कि 25 मिलीग्राम पर 100 ग्राम। विटामिन सी के साथ साथ विटामिन डी भी इसमें मिलता है, ठीक है। विटामिन डी इज ऑल्सो फाउंड इन टोमेटो एंड इट ऑल्सो हैव पोटाशियम दैट इज अप्रॉक्स 200 to 210 मिलीग्राम पर 100 ग्राम, ओके। आफ्टर दैट बात करें जो TSS कंटेंट होता है इसके अंदर, टोटल सोल्यूबल सॉलिड जो होते हैं इसके अंदर, दैट इज अप्रॉक्स रेंजेस फ्रॉम 4.5 to 7%, ठीक है। ये वेराइटी के अकॉर्डिंग रेंज करता है, ठीक है, 4.5 से लेके 7% तक ये रेंज करते हैं। एंड बात करें जो इसके अंदर सीड होता है उसमें कितना परसेंट ऑयल होता है, दैट इज 24% ऑयल, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर मेन बात करें तो हमारे आते हैं पिगमेंट्स, ठीक है। पिगमेंट्स जो है वो इंपॉर्टेंट पार्ट है टोमेटो का, जिसके अंदर हम देखें रेड कलर जो होता है टोमेटो को किसकी वजह से होता है? लाइकोपिन। लाइकोपिन इज द मेन पिगमेंट इन द टोमेटो, सो रेड कलर इज ड्यू टू लाइकोपिन एंड येलो कलर इज ड्यू टू कैरेटिनोइड्स पिगमेंट्स, मेनली कौन सी? बीटा कैरेटिन, ओके। उसके बाद इसमें टैंजरीन कलर भी होता है। टैंजरीन कलर किसकी वजह से होता है? प्रोलाइकोपिन, या इसको हम सिस लाइकोपिन भी बोलते हैं, ठीक है। तो टैंजरीन कलर जो टैंजरीन कलर के जो पोटैटो सॉरी टोमेटो होते हैं वो प्रोलाइकोपिन या सिस लाइकोपिन के अच्छे सोर्स होते हैं, ठीक है। हमारी लाइकोपिन है वो क्या है, एक नेचुरल कैरेटिनॉइड्स है और मेन एंटी कैंसर एक्टिविटी जो होती है वो मिलती है लाइकोपिन के अंदर, मतलब कैंसर के लिए ये अच्छी होती है, ठीक है। अगर किसी को कैंसर है तो वो लाइकोपिन से भरपूर टोमेटो खा सकता है, ठीक है, मतलब ये एंटी कैंसर एक्टिविटी होती है इसके अंदर। उसके बाद हम इसमें बात करें जो टोमेटो है हमारा वो क्या है, रिचेस्ट सोर्स ऑफ लाइकोपिन है। जितने भी फ्रूट्स हैं वेजिटेबल्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा रिचेस्ट सोर्स ऑफ टोमेटो सॉरी लाइकोपिन कौन है? टोमेटो है, ठीक है। सबसे ज़्यादा लाइकोपिन मिलता है टोमेटो के अंदर। एंड जो टोमेटो फ्रूट है उसके अंदर जो लाइकोपिन है वो कितना होता है? लाइकोपिन होता है 30 to 50 microgram per gram, ठीक है, जो एक फ्रेश टोमेटो है उसके टिश्यू में, ठीक है, कितना मिलेगा? 30 to 50 microgram per gram। उसके बाद हम इसमें देखें कि पोलिनेशन जो होता है उसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ठीक है। ऑप्टिमम टेम्परेचर शुड बी अप्रॉक्सीमेटली 21 degree Celsius। एंड पीएच की बात करें जो टोमेटो फ्रूट है, टोमेटो फ्रूट के अंदर पीएच कितना होना चाहिए, यहाँ पे फ्रूट के पीएच की बात हो रही है, सोइल के पीएच की बात नहीं हो रही, तो ये आपको ध्यान में रखना है। सो जो टोमेटो फ्रूट है उसका पीएच रेंज करता है 4 to 4.5 तक, ठीक है। सो टोमेटो का पीएच क्या होता है? कम होता है, इसकी वजह से ये प्रोसेसिंग के लिए वेजिटेबल्स के अंदर नंबर वन वेजिटेबल है, तो सबसे ज़्यादा प्रोसेसिंग किसकी होती है? टोमेटो की होती है, ठीक है। और बात करें कि टोमेटो जो एक्सपोर्टिंग क्वालिटी के टोमेटो जो हैं वो मेनली इंडिया के किन भाग में होते हैं, ठीक है, जो पुणे और नासिक है महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है, पुणे और नासिक महाराष्ट्र के अंदर, और जो बेंगलुरु है कर्नाटका के अंदर, वहाँ पे जो टोमेटो होते हैं वो दैट हैव एक्सपोर्टिंग क्वालिटी, दैट हैव गुड क्वालिटी, जिनको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें
जितना कम पीएच होता है उतनी ही अच्छी क्वालिटी होती है टोमेटो की, उतनी ही ज़्यादा इसके अंदर क्या होती है, टार्टनेस होती है, ठीक है, खट्टापन होता है। एंड फिर से लाइकोपिन की अगर बात करें, लाइकोपिन क्या है, वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, इट वर्क एज एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। सो नेक्स्ट अब टोमेटो के बारे में बात करें, जो टोमेटो का फ्रूट है, ठीक है, जो उसका फ्रेश वेट होता है, तो उसमें मोर देन 90% होता है वाटर होता है, ठीक है। जो फ्रेश वेट है टोमेटो का उसमें 90% से ज़्यादा क्या होता है, पानी होता है। और जो टोमेटीन है इसके अंदर, इसको लाइकोपर्सिसिन भी बोलते हैं, ये क्या है, एक स्टेरेडोइल ग्लाइकोएल्कोलोइड है जो कि टोमेटो में प्रेजेंट होता है। अब ये टोमेटीन जो होता है ये मेनली कहाँ मिलता है, ये लीव्स में मिलता है और फ्लावर्स में मिलता है जनरली, ठीक है, फ्रूट में बहुत कम मात्रा में मिलता है, मेनली लीव्स के अंदर, स्टेम और फ्लावर्स के अंदर ये मिलता है। और जो टोमेटीन है इसके अंदर क्या होती है, फंजीसाइडल, एंटी माइक्रोबियल एंड इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखें जो फ्रूट अरोमा होती है, ठीक है, जो अरोमा आती है टोमेटो से वो किसकी वजह से होती है, एक कंपाउंड होता है सल्फोनियम, सो अरोमा इज ड्यू टू सल्फोनियम, ठीक है। ये जो शॉर्ट शॉर्ट छोटे छोटे क्वेश्चंस है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये सारे अच्छे से याद करने हैं। उसके बाद हम देखें टोमेटो की जो एसिडिटी है, ठीक है, वो किस वजह से होती है, सिट्रिक एसिड, मेनली जो टोमेटो में एसिड मिलती है सबसे ज़्यादा वो कौन सी होती है, सिट्रिक एसिड होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें जो टोमेटो है क्या होती है, एक सेल्फ पोलिनेटेड होती है, दिस इज़ हाईली सेल्फ पोलिनेटेड, क्रॉस पोलिनेशन का कोई चांस ही नहीं होता टोमेटो में, ठीक है। तो ये किस वजह से होती है, एक तो होमोमॉर्फिज्म की वजह से और एक चैजमोगैमी की वजह से, इसमें क्लिस्टोगैमी भी मिलता है, ठीक है। चैजमोगैमी क्या होता है, चैजमोगैमी में पहले क्या होता है, पोलिनेशन होता है, उसके बाद क्या होता है, फ्लोर ओपन होएगा, ठीक है, मतलब पहले पोलिनेशन हो जाएगा फिर जाके फ्लोर ओपन होएगा, दैट इज चैजमोगैमी। एंड क्लिस्टोगैमी, क्लिस्टोगैमी में क्या होता है, फ्लोर ओपन ही नहीं होता है, अंदर ही पोलिनेशन हो जाता है और फिर फ्रूट बन जाता है, ठीक है। उसके बाद हम देखें जो ऑप्टिमम कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है ग्रीन हाउस टोमेटोज के लिए वो कितनी होनी चाहिए, दैट इज 4000 ppm, ठीक है। तो ग्रीन हाउस के टोमेटोज के लिए ऑप्टिमम कंसंट्रेशन अगर पूछी जाए तो कितनी होगी, 4000 ppm। फिर बात करें एक हस्क टोमेटो, ठीक है, ये जो हस्क टोमेटो है ये जनरली एक टोमेटो नहीं है, ठीक है, बस इसका नाम हस्क टोमेटो है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, फाइजेलिस प्यूबिसेंस, और ये आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ये क्या है, हस्क टोमेटो, ठीक है, इसको लोकल भाषा में पिलपोटन भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना, अगर कोई हस्क पोटैटो पूछे तो दैट इज़ नॉट अ टोमेटो, ठीक है, दैट इज़ फ्रॉम डिफरेंट जीनस। उसके बाद और जो इम्पोर्टेंट है इसकी ब्रीडिंग से लेके क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो हम देखते हैं। इसके अंदर क्या होता है, एंथरलेस और स्टेमनलेस बोल सकते हैं, और क्लोज एंथर म्यूटेंट मेल स्टेरिलिटी टाइप मिलती है, मतलब एंथरलेस मतलब एंथर ही नहीं है, स्टेमनलेस मतलब स्टेमन नहीं है, और क्लोज एंथर मतलब इनडेहिसेंट एंथर है, मतलब एंथर जो है एंथर से खुला ही नहीं है जिससे पोलिनेशन हो सके। तो इस टाइप की इसके अंदर क्या मिलती है, मेल स्टेरिलिटी मिलती है। उसके बाद इसके अंदर जो मेल स्टेरिलिटी गर्न होती है, दैट इज बाय अ सिंगल रिसेसिव जीन, ठीक है, एक सिंगल रिसेसिव जीन होता है वो इसके अंदर गर्न करता है मेल स्टेरिलिटी को। फिर बात करें जो फंक्शन मेल स्टेरिल लाइन है PS2, ठीक है, दैट इज यूज कॉमर्शियली फॉर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड, ठीक है। फिर हम देखें इसके अंदर एक जीन मिलता है क्रिम्सन जीन, ठीक है, इसको जिसे नोट करते हैं, इट इम्प्रूव्स लाइकोपिन, ये लाइकोपिन को, तो जो क्रिम्सन जीन है दैट इम्प्रूव्स लाइकोपिन, लाइकोपिन को इम्प्रूव करेगा, बट किसको रिड्यूस करेगा, कैरोटीन को, एंड रिड्यूस वाइटामिन ए को ये रिड्यूस करता है बाय 25%, ठीक है। तो मेनली हमें ध्यान रखना है किसको इम्प्रूव करता है, ये लाइकोपिन को। उसके बाद हम देखें एक HP जीन होता है, ठीक है, ये HP जीन क्या करता है, वाइटामिन ए को 25 से लेकर 50% तक बढ़ाता है, ठीक है, उसको इंक्रीज करता है। तो आपको ये छोटी छोटी बातें याद रखनी है कि कौन सा जीन क्या काम करता है, ठीक है, ये ब्रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से टोमेटो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी इसमें मेल स्टेरिल लाइन होती है, किस टाइप की इसके अंदर मेल स्टेरिलिटी होती है, ये सब इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम इसमें बात करें एक डिजीज़ इसके अंदर वायरस आता है, ठीक है, टोमेटो लीफ कर्ल वायरस। तो
इसमें ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है, इसलिए इसके अंदर टोमेटो लीफ कर्ल वायरस से रेजिस्टेंस जीन हमने बनाए हैं, जिसके अंदर क्या है TY1, TY3 एंड TY4 एंड TY6। ये जो चार जीन हैं, ठीक है, ये ड्राइव किए हमने सोलेनम चाइलेंस से। एंड बात करें TY2 जीन जो है वो हमने इन किससे लिया है, सोलेनम हैब्रोचेट से, एंड TY5 फ्रॉम सोलेनम पेरुवियनम। उसके बाद देखें जो TY1 है और TY3 है, ये जो जीन है दैट आर यूटिलाइज इन नॉर्थ इंडिया, ठीक है, ये किस में यूटिलाइज होता है, TY1 और TY3 इन नॉर्थ इंडिया, और जो TY2 जीन है दैट इज कॉमर्शली यूटिलाइज इन साउथ इंडिया। ओके, नेक्स्ट सब देखें इसके अंदर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये क्वेश्चन जो पढ़ रहे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। और नेक्स्ट हम बात करते हैं जैसे टोमेटो की सीड जर्मिनेशन कौन इनहिबिट करता है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन कैन बी आस्क इन द एग्जाम कि विच सब्सटेंसेस दैट इनहिबिट द सॉरी दैट इनहिबिट द सीड जर्मिनेशन इन टोमेटो, सो दैट इज कैफिक एसिड एंड फेरुलिक एसिड। एंड इफ वी वॉन्ट टू इन्हेंस द फ्रूट सेट, ठीक है, हमें फ्रूट सेट को इन्हेंस करना है हाई टेम्परेचर के ऊपर, तो हम क्या यूज करें, ठीक है, तो एक सब्सटेंस यूज होता है केमिकल, एक कंपाउंड है जो दैट इज टोमेटोटोन और टोमेटोलोर, ठीक है। ये टोमेटोटोन क्या होता है, ये एक आर्टिफिशियल हमने इसको बनाया है, इसके अंदर क्या होता है कंपोजिशन डाल रखी है जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की, जिसके अंदर इसको ब्लॉजम एंड रोट नहीं होए, ठीक है, डिफरेंट प्रॉब्लम्स ना हो, तो इसके अंदर जैसे NPK भी मिलता है, NPK की कंसंट्रेशन है, उसके अलावा इसके अंदर कैल्शियम है, सल्फर है, तो इन सब की कंसंट्रेशन टोमेटोटोन के अंदर मिलती है, जिससे क्या होता है फ्रूट सेट इन्हेंस होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें कि ऑप्टिमम ह्यूमिडिटी जो है ग्रीन हाउस टोमेटोज के लिए कितनी होनी चाहिए, 60-70% तक। और जो टोमेटो में पार्थिनोकार्पी मिलती है, ठीक है, वो फैकल्टेटिव टाइप की होती है, ठीक है, फैकल्टेटिव पार्थिनोकार्पी मिलती है, इसके अंदर परमानेंट नहीं होती है पार्थिनोकार्पी। आप देख सकते हैं कि कुछ टोमेटोज के अंदर सीड नहीं होते हैं, लेकिन यूजुअली सब के अंदर सीड होते हैं, ठीक है। सो पार्थिनोकार्पी क्या होती है, फर्टिलाइजेशन के बिना जब डेवलपमेंट होती है, ठीक है, तो वो पार्थिनोकार्पी होते हैं। तो मेनली जो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर क्या नहीं होते, सीड नहीं होते हैं, क्योंकि सीड मेनली फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जो मैक्सिमम एसिडिटी कौन सी स्टेज पर मिलती है, मतलब हम टोमेटो को किस स्टेज पे हार्वेस्ट करें कि हमें मैक्सिमम एसिडिटी मिले, सो दैट इज पिंक स्टेज, ठीक है। पिंक स्टेज में क्या होता है कि उसका कलर जब हल्का हल्का रेड होना शुरू होता है, तो 3/4 हिस्से के अंदर क्या हो जाता है, कलर आता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, पिंक स्टेज होता है, और उस टाइम पे एसिडिटी सबसे ज़्यादा होती है। और फिर बात करें प्रोसेसिंग पर्पज के लिए पीएच जो होता है, पीएच जूस का पीएच कितना होना चाहिए, अप्रोक्सीमेट 4.5, ठीक है, 4.5। सो इसलिए देखो जो टोमेटो होता है हमारा, उसकी प्रोसेसिंग होती है मेनली, ठीक है, एक और वेजिटेबल है रूबर, उसकी भी प्रोसेसिंग होती है, बस उसकी बहुत कम होती है, दैट इज़ नॉट फेमस फॉर प्रोसेसिंग, लेकिन जो टोमेटो है दैट इज़ फेमस फॉर प्रोसेसिंग। इसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं, प्यूरी बनता है, ठीक है, पेस्ट बनता है, सॉस बनता है, और इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं। मेनली टोमेटो ही यूज होता है, क्योंकि इसका पीएच प्रोसेसिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, और जो बाकी वेजिटेबल्स होते हैं उनका पीएच क्या होता है, हाई होता है। सो पीएच जो होता है वो प्रोसेसिंग के अंदर हम जो बैक्टीरियाज हैं जैसे ईस्ट है या सॉरी बैक्टीरियाज हैं या फिर फंजाई है जैसे ईस्ट, तो जो ये है एक पर्टिकुलर पीएच रेंज में काम करते हैं, तो पीएच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर प्रोसेसिंग, इसीलिए जो टोमेटो है दैट इज मेनली यूज फॉर प्रोसेसिंग। ओके, अब बात करें इसके अंदर जो टोमेटो की आइडियल वेराइटी होते हैं प्रोसेसिंग के लिए, उनके अंदर कितना सिट्रिक एसिड होना चाहिए, उनके अंदर जो एसिड कंटेंट है वो कितना होना चाहिए, 0.35% क्या होना चाहिए उसमें सिट्रिक एसिड होना चाहिए, ठीक है। जनरली हम जो टोमेटो की फ्रूट फर्मनेस को देखते हैं वो किससे देखते हैं, ड्यूरोमीटर से, ठीक है, ड्यूरोमीटर यूज करते हैं इसकी फ्रूट फर्मनेस के लिए। उसके बाद हम देखें
अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जैसे चेरी टोमेटो, ठीक है, चेरी जो चेरी टोमेटो जो है वो मेनली कहाँ पे एक्सपोर्ट करने के लिए प्रीफर किया जाता है, यूरोपियन कंट्री, जो यूरोपियन कंट्रीज है उनको चेरी टोमेटो ज़्यादा पसंद है। एंड प्रोसेस्ड प्रोडक्ट जो होते हैं इसके जो प्यूरी है जैसे पेस्ट है, इनकी ग्रेट डिमांड होती है एक्सपोर्ट के लिए, ठीक है, मेनली जो प्यूरी और पेस्ट जो है वो ही ज़्यादा एक्सपोर्ट किए जाते हैं। अगला पॉइंट हम देखें इसमें कि टोमेटो, ये हमें शुरू में पढ़ना चाहिए था, बट टोमेटो क्या है, क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। क्लाइमेट्रिक फ्रूट क्या होते हैं, ठीक है, क्लाइमेट्रिक फ्रूट वो फ्रूट होते हैं जो कि पेड़ पे तो पक सकते हैं, लेकिन मेनली जब हम उनको हार्वेस्ट कर लेते हैं या उसके बाद भी वो राइपन होते रहते हैं, ठीक है, जब तक वो राइपन नहीं हो जाते, क्लाइमेट्रिक फ्रूट होते हैं। उनके अंदर क्या होता है कि ये इथाइलिन, जो अगर हम इसको इथाइलिन ट्रीटमेंट देते हैं तो उसको उसके प्रति ये सेंसिटिव होते हैं, मतलब इथाइलिन ट्रीटमेंट इन पे वर्क करता है, उसके बाद ये राइपन हो सकते हैं। इनके अंदर रेस्पिरेशन रेट जो है हाई हो जाता है। बट जो नॉन क्लाइमेट्रिक होते हैं वो सिर्फ पेड़ पे ही पक सकते हैं। अगर हमने उनको पेड़ से तोड़ लिया उसके बाद हमने सोचा कि अब ये पकेगा, तो वो पकेगा नहीं बल्कि वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। सो टोमेटो क्या है, हमारा क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। लेकिन जो राइपनिंग म्यूटेंट्स हैं रिन, नोर और नर, NR, ठीक है, ये क्या है, नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट बनाए हैं टोमेटो के अंदर, ठीक है, ये म्यूटेंट्स हैं। उसके बाद देखिए जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है 20, जिसने 4 ग्रेड स्पेसिफाई किया है टोमेटो के लिए, दैट इज़ सुपर ए, सुपर फैंसी एंड कॉमर्शियल, ठीक है, सुपर ए, सुपर फैंसी एंड कॉमर्शियल आर 4 ग्रेड्स दैट आर रिकमेंडेड बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट स्लाइड है, सो इसके अंदर जैसे कि ट्रांसजेनिक वेराइटी है, ठीक है, फ्लेवर सेवर, ये मेनली किसके लिए बनाई थी, इसकी सेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है, लॉन्ग सेल्फ लाइफ, ठीक है, इसको हार्ड बनाने के लिए थोड़ी फर्म होती है, ज़्यादा फर्म होती है, ठीक है, ताकि ये लॉन्ग डिस्टेंस तक हम इसको ट्रांसपोर्ट कर सके। सो जो फ्लेवर सेवर है इसकी लॉन्ग सेल्फ लाइफ होती है। और ये किसने डेवलप किया था, एक कैलजिन कंपनी थी, कैलजिन कंपनी है जो उसने इसको डेवलप किया है। उसके बाद हम देखें जो इंडिया के अंदर जो बुक है जिसका नाम है टोमेटो, वो बुक किसने लिखी है, डॉक्टर गौतम कल्लो, उन्होंने 1986 में लिखी थी। और यही जो है वो क्या है, हमारे फादर ऑफ टोमेटो, ठीक है, फादर ऑफ टोमेटो क्या है, डॉक्टर गौतम कल्लो। और जो बुक टोमेटो है वो किसने लिखी है, गौतम कल्लो ने ही लिखी है। तो सर गौतम कल्लो जो है वही क्या है, टोमेटो के फादर भी हैं और बुक भी उन्होंने लिखी है। आपने देखें जो टोमेटो जीनोम है, ठीक है, टोमेटो जीनोम है वो सब उसका फुल सीक्वेंसिंग कब हो गया था, 2012 के अंदर हो गया था। एंड जो टोमेटो जीनोम साइज है वो कितना है, 900 मेगाबेस पेयर। उसके बाद हम देखें, हमने देखा फादर ऑफ टोमेटो कौन है, अब है फादर ऑफ टोमेटो ब्रीडिंग, ठीक है, मतलब ब्रीडिंग के अंदर किसने इम्प्रूवमेंट लेके आया, मतलब ब्रीडिंग का काम जो रिलेटेड है वो किससे है, डॉक्टर सीएम रिक से। तो फादर ऑफ जो टोमेटो ब्रीडिंग है वो कौन है, डॉक्टर सीएम रिक, ही इज़ फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया यूएसए। उसके बाद बात करें जो टोमेटो जेनेटिक्स कोऑपरेटिव है TGC, वो कहाँ पे है, वो भी यहाँ पे ही है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया यूएसए। सो ये जो शॉर्ट क्वेश्चन हमने पढ़े हैं ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हम अब पढ़ेंगे आगे टोमेटो के बारे में, कैसे उसकी कल्टीवेशन करते हैं, कौन कौन से उसमें डिसऑर्डर्स आते हैं, ठीक है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, फंगस, इंसेक्ट वगैरह सब हम आगे पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ टोमेटो अकॉर्डिंग टू ग्रोथ हैबिट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ग्रोथ हैबिट टोमेटो को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिटर्मिनेट टाइप, इसको हम सेल्फ टॉपिंग टाइप भी बोलते हैं, एंड इनडिटर्मिनेट टाइप, ठीक है, एक थर्ड टाइप भी होती है दैट इज सेमी डिटर्मिनेट, बट मेनली हम डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट टाइप पढ़ते हैं, ठीक है। जो इनडिटर्मिनेट है इन दोनों में हम सबसे पहले बात करें हाइट की, ठीक है, सो हाइट की बात करें तो जो इनडिटर्मिनेट वेराइटी है वो 6 से 12 फीट तक ग्रो करती है, मतलब इनडिटर्मिनेट से ही पता चल रहा है नाम से, ठीक है, मतलब ग्रोथ है वो अनलिमिटेड हो रही है, ठीक है, तो 6 से 12 फीट तक इनकी हाइट जाती है। उसके बाद डिटर्मिनेट की बात करें तो उनकी 3 से 4 फीट तक क्या होती है, हाइट होती है, ठीक है। और जो हमारी सेमी डिटर्मिनेट वेराइटी है उनकी अप्रोक्स हाइट होती है 4 से 6 फीट तक, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करें इनफ्लोरिसेंस की, ठीक है, जो
बुश टाइप होते हैं, यानी जो डिटर्मिनेट टाइप होते हैं उनमें अप्रोक्सीमेटली हर नोड पे, हर इंटर नोड पे, हर नोड पे क्या होता है, फ्रूटिंग हो जाती है। और जो हमारी डिटर्मिनेट टाइप होती है उनमें अप्रोक्स एक नोड, दो नोड छोड़ के थर्ड नोड पे फ्रूटिंग होती है, ठीक है, थर्ड नोड पे होती है जनरली, फोर्थ नोड पे भी हो सकती है, मतलब इस पर हर नोड पे नहीं होगी, ठीक है, थर्ड नोड पे होती है जनरली इसके अंदर फ्रूटिंग। उसके बाद हम स्टेकिंग की बात करें, अब जो हमारी इंडिटर्मिनेट टाइप है वो क्या होती है, इतनी ज़्यादा ग्रो करती है तो इसको क्या सहारे की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक है तो ये वाइन की तरह है, ठीक है, तो इसको सहारे की जरूरत पड़ती है, तो इसमें हम स्टेकिंग करते हैं। बट जो हमारी बुश टाइप है उसके अंदर क्या होते हैं, हमें स्टेकिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, या फिर पड़ती है तो बहुत कम जो वेराइटीज होती है उनके अंदर हमें पड़ती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें प्रूनिंग की, अब हमें इसको अच्छे से ट्रेनिंग और प्रूनिंग करनी है, तो मेनली जो ट्रेनिंग और प्रूनिंग है वो हम इंडिटर्मिनेट वेराइटीज़ में करते हैं। और अगली अब बात करें लोकेशन की, मेनली कहाँ पे हम इनको लगाते हैं, सो जो इनडिटर्मिनेट है वो मेनली किन के लिए है, ग्रीन हाउसेज के अंदर हम लगाते हैं, और जो हमारी डिटर्मिनेट टाइप है वो हम लगाते हैं ओपन फील्ड के अंदर या फिर कंटेनर के अंदर, ठीक है। जो डिटर्मिनेट होती है इनके अंदर क्या होता है कि जो टॉप होता है वहाँ पे टॉप फ्लोर आ जाता है, मतलब सेल्फ टॉपिंग कर लेती हैं, टॉप पे जो फ्लोर आता है उस पे फ्रूट बनता है, उसके बाद ये क्या होते हैं और ग्रो नहीं करती हैं हाइट के अंदर। तो आगे हम इनको पढ़ते हैं, सबसे पहले हम देख रहे हैं जैसे डिटर्मिनेट टाइप हमने पढ़ लिया, ये ओपन फील्ड की बोलते हैं, इनको प्रोसेसिंग टोमेटो भी बोलते हैं, ठीक है। तो इनफ्लोरिसेंस इसके अंदर कौन सी होती है, मतलब हर ऑलमोस्ट एवरी नोड के ऊपर इसके अंदर होती है, जब तक टर्मिनल नोड बन नहीं जाता तब तक इसके अंदर क्या होती है, फ्लावरिंग होती रहती है। उसके बाद हाइट हमने देखी थी इसकी 3 से 4 फीट होती है, और इसमें लिमिटेड स्टेकिंग या फिर स्टेकिंग की जरूरत नहीं होती, और ये कंटेनर प्लांटिंग के लिए होती है, और हमने पढ़ा था क्या कि ओपन फील्ड कंडीशन के लिए होती है। अब हम देखें कुछ वेराइटीज जो कि डिटर्मिनेट वेराइटीज हैं, ठीक है। सो जैसे है ARTH3 दैट इज सूटेबल फॉर टेबल पर्पस, अविनाश 2 वेराइटी है, ठीक है, ये भी प्रोसेसिंग के लिए है, और टोमेटो लीफ कर्ल वायरस जो है उससे क्या है, रेजिस्टेंस है, टोलरेंट वेराइटी है, ठीक है। उसके बाद देखें हम CO3 वेराइटी है, ये म्यूटेंट है CO1 का, तो ये क्या है, सारी डिटर्मिनेट वेराइटी है। उसके बाद है हिसार सेलेक्शन 101, दिस इज सूटेबल फॉर विंटर सीजन फॉर नॉर्दर्न इंडिया एंड टोलरेंट टू टोमेटो लीफ कर्ल वायरस, ओके। एंड नेक्स्ट है हिसार सेलेक्शन 102110, उसके अलावा है हिसार अनमोल है दैट इज रेजिस्टेंस टू टोमेटो लीफ कर्ल वायरस, हिसार अरुण है, फिर ये भी ये जो हिसार अरुण है दैट इज एक्सट्रीमली अर्ली एंड वेरी हाई यील्डिंग वेराइटी, ठीक है। उसके बाद है हिसार लालिमा, दिस इज ऑल्सो अर्ली वेराइटी, कृष्णा है, दिस इज अर्ली मैच्योरिंग, उसके बाद है KS2 मटरी एंड A601 एंड नवीन, दीज आर द डिटर्मिनेट वेराइटी, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं इंडिटर्मिनेट हमने पढ़ा था, तो इंडिटर्मिनेट क्या था, इनफ्लोरिसेंस जो है क्लस्टर्स के वो हर थर्ड नोड पे आते हैं, ठीक है, सॉरी इसमें इंटरनोड लिख रखा है, वो हर थर्ड नोड पे लगता है। उसके बाद हम देखें जो मेन एक्सिस है इसका इंडेफिनेटली ग्रो करता है, मतलब इसमें टॉपिंग नहीं होती है, मेन एक्सिस इज ग्रोइंग, ठीक है, यहाँ पे कोई फ्लावरिंग नहीं हो रही है, ठीक है, तो मेन एक्सिस का कंटिन्यू ग्रो करता रहता है जब तक फ्रॉस्ट इसको किल ना कर दें, ओके। उसके बाद हम देखें, हमने हाइट देखी थी, ये 12 फीट तक जा सकता है एंड इट रिक्वायर अ स्टेकिंग फॉर सपोर्ट एंड इट इज़ मेनली फॉर पॉली हाउसेज और ग्रीन हाउसेज। सो ये क्या थी हमारी इंडिटर्मिनेट, और कुछ इंडिटर्मिनेट वेराइटीज़ के एग्जांपल हम देखें तो जैसे अर्का विकास इज अ सेलेक्शन फ्रॉम वेरिएबल पॉपुलेशन ऑफ अमेरिका, मतलब ये सिलेक्शन है फ्रॉम USA टोमेटो टिप टॉप, ठीक है, इट इज़ टॉलरेंट टू हीट एंड मॉइस्चर स्ट्रेस। नेक्स्ट है अर्का अभिजीत, जिसको BRS2 भी बोलते हैं, दिस इज रेजिस्टेंस टू बैक्टीरियल विल्ट, ठीक है। उसके बाद है अर्का वरदान FM Hybrid 2, इट इज़ रेजिस्टेंस टू निमेटोड्स एंड इट इज़ सूटेड फॉर फ्रेश मार्केट, मतलब फ्रेश मार्केट के लिए जो हाँ ये वेराइटी है अर्का वरदान दैट इज सूटेबल। उसके अलावा है अर्का विशाल ARTH4 BSS 90, ठीक है। सो दीज आर पंत बहार, पूसा दिव्या, पूसा रूबी, पूसा उपहार एंड दीज आर क्या हैं, सॉरी इनडिटर्मिनेट वेराइटीज हैं, ठीक है, थीके? जैसे पंत बहार है, पूसा दिव्या है, इट इज़ ओनली वेराइटी नाउ दैट इज डेवलप्ड बाय यूटिलाइजिंग मेल स्टरलाइन लाइन को यूटिलाइज करके इसको बनाया गया है,
उसके बाद पूसा जो पूसा रूबी है, इस इज अर्ली वेराइटी एंड सुटेबल फॉर बोथ फॉर रेनी एंड स्प्रिंग सीजन। एंड जो पूसा उपहार है दैट इज सुटेबल फॉर प्रोसेसिंग। ठीक है, तो ये क्या थी हमारी इंडेटर्मिनेट वेराइटी। उसके बाद हम देखें इंट्रोड्यूस्ड वेराइटीज़ कौन कौन सी हैं। ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड वेराइटीज़ में आते हैं हमारे रोमा। जो रोमा है दैट इज़ पियर शेप्ड एंड सूटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। दिस इज सूटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। दीज ऑल आर इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम यूएसए। ये सब की सब यूएसए से क्या हुई है, इंट्रोड्यूस हुई है। इसमें आती है रोमा, सायोस, बेस्टोफोल, टिपटॉप, लेबोनीता, मार्वल, मंकी मार्कर, अगीथी, मार्ग्लोब एंड कैक्रूथ। ओके, दीज आर ऑल इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम यूएसए। नेक्स्ट हम देखें सेलेक्शन से जो वेराइटीज हमने बनाई हैं। ठीक है, सेलेक्शन से जो है वो इम्प्रूव्ड मिरुती। जो इम्प्रूव्ड मिरुती है दैट इज सुटेबल फॉर ऑटम, विंटर एंड स्प्रिंग समर। ठीक है, हिसार सेलेक्शन 110, इट इज़ अ डिटर्मिनेट एंड पोटैटो लीफ टाइप। ठीक है, हमने पढ़ा था पोटैटो लीफ टाइप कौन सी थी, सो दिस इज पोटैटो लीफ टाइप। नेक्स्ट है CO1। उसके अलावा पंतबहार इज रेजिस्टेंस टू वर्टिसिलियम एंड फ्यूजेरियम विल्ट। नेक्स्ट है अर्का सौरभ, अर्का विकास, एंड इट इज सेलेक्शन फ्रॉम अमेरिकन वेराइटी टिपटॉप एंड सोनाली। दीज आर ऑल फ्रॉम सेलेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें IRI की वेराइटीज। ठीक है, IRI से रिलीज वेराइटी कौन कौन सी हैं। तो पूसा रेड प्लम, ठीक है, पूसा रेड प्लम ये क्या है, एक इंटर स्पेसिफिक क्रॉस है सोलेनम लाइकोपर्सिकम और सोलेनम पिम्पाइलीफोलियम का। एंड इट इज इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड, जो हमने बताया रिच इन वाइटामिन सी। ठीक है, वाइटामिन सी से रिच होती है ये। नेक्स्ट पूसा रूबी जो IRI ने रिलीज किया, दैट इज क्रॉस बिटवीन सायोक्स एंड इम्प्रूव्ड मिरुती। एंड इट इज फेमस वेराइटी, इट इज़ फेमस वेराइटी ऑफ जो मेनली जो फेमस है दैट इज पूसा रूबी। ठीक है, उसके बाद है पूसा अर्ली ड्वार्फ। ठीक है, पूसा अर्ली ड्वार्फ इज क्रॉस बिटवीन इम्प्रूव्ड मिरुती एंड रेड क्लाउड। मेनली जो पूसा अर्ली ड्वार्फ है ये सेमी डिटर्मिनेट हैबिट की होती है। ठीक है, फिर हम देखें पूसा रोहिणी। पूसा रोहिणी इज सूटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रोसेसिंग। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ प्रोसेसिंग के लिए भी ये अच्छी होती है। उसके बाद है पूसा 120। पूसा 120 इज रेजिस्टेंस टू रूट नॉट निमाटोड। एंड पूसा गौरव है, पूसा गौरव इज सूटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रोसेसिंग। उसके बाद बात करें हम पूसा उपहार। पूसा उपहार इज टॉलरेंट टू फ्रूट बोरर। एंड पूसा शीतल, पूसा शीतल मेनली जो होती है वो ठंडे इलाकों के लिए होती है। ठीक है, उसके बाद है पूसा सदाबहार एंड पूसा गौरव। पूसा गौरव है दैट इज सुटेबल फॉर प्रोसेसिंग एंड लॉन्ग डिस्टेंस। ओके, दीज आर IRI वेराइटीज इंट्रोड्यूस फ्रॉम IRI। नेक्स्ट वेराइटी जो है IIHR से। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च। ठीक है, जो इसमें है अर्का विकास। ठीक है, जो अर्का जिनके आगे लगता है वो क्या कहाँ से, IIHR से है। जिनके आगे पूसा लगता है मेनली वो कहाँ से है, IARI से है। ठीक है, सो अर्का विकास है, इट इज़ सिलेक्शन फ्रॉम टिपटॉप एंड इट इज सूटेबल फॉर फ्रेश मार्केट एंड रेन फेड। ठीक है, रेन फेड वेराइटी है अर्का विकास। एंड नेक्स्ट हम बात करें अर्का आलोक, इसको BWR5 भी बोलते हैं एंड इट इज़ रेजिस्टेंस टू बैक्टीरियल विल्ट। ठीक है, नेक्स्ट है अर्का आभा, इट ऑल्सो नोन एज BWR1 एंड इट इज़ रेजिस्टेंस टू बैक्टीरियल विल्ट। नेक्स्ट है अर्का अभिजीत, अर्का अभिजीत इज हाईली रेजिस्टेंस टू बैक्टीरियल विल्ट। ओके, नेक्स्ट है अर्का आशीष एंड अर्का सौरभ। ठीक है, अर्का सौरभ जो है दैट इज सेलेक्शन फ्रॉम V685 एंड इट इज सूटेबल फॉर फ्रेश मार्केट एंड लॉन्ग ट्रांसपोर्ट। ओके, नेक्स्ट बात करें अर्का आहुति। अर्का आहुति जो है दैट इज फॉर प्रोसेसिंग। एंड अर्का मेघाली, अर्का मेघाली इज क्रॉस बिटवीन अर्का विकास एंड IHR 554 एंड इट इज़ अ रेन फेड वेराइटी। ठीक है, आपको याद रखना है कि कौन सी वेराइटी किसके बीच में क्रॉस है और उसका स्पेसिफिक पर्पज क्या है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और जनरली आजकल मेनली वेराइटीज से ही क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ओके, उसके बाद देखें अदर वेराइटीज़ हैं, जैसे हिसार सेलेक्शन 101 है, HS102, HS1110, हिसार अरुण, हिसार लालिमा, हिसार ललित, हिसार अनमोल। ठीक है, ये सारी कहाँ से हैं, हिसार से हैं।
ठीक है, CCSHU जो है चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्री यूनिवर्सिटी है उससे इंट्रोड्यूस हुई है। ठीक है, जो हिसार ललित है दैट इज रेजिस्टेंस टू रूट नॉट नेमाटोड, एंड हिसार अनमोल है दैट इज हिसार अरुण, क्रॉस बिटवीन हिसार अरुण एंड सोलेनम हिरसुतम। ठीक है, इसकी सो नेक्स्ट है अदर वेराइटीज़ देखें हम, अदर वेराइटी में है हिसार सेलेक्शन 101, हिसार सेलेक्शन 102 एंड हिसार सेलेक्शन 110। ठीक है, उसके अलावा हिसार अरुण, हिसार लालिमा, हिसार ललित। हिसार ललित इज रेजिस्टेंस टू रूट नॉट नेमाटोड, एंड आफ्टर दैट हिसार अनमोल दैट इज क्रॉस बिटवीन हिसार अरुण एंड सोलेनम हिरसुतम, एंड इट इज रेजिस्टेंस टू टोमेटो लीफ कर्ल वायरस। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है पंजाब छुआरा। पंजाब छुआरा इज अ क्रॉस बिटवीन EC55005 एंड बिटवीन पंजाब ट्रॉपिक, इट इज़ सूटेबल फॉर लॉन्ग ट्रांसपोर्ट। उसके बाद है CO1, इट इज़ सिलेक्शन फॉर कल्याणपुर एंड इट इज़ सेमी डिटर्मिनेट, एंड CO2 इट इज़ इंट्रोडक्शन फ्रॉम रशिया एंड इट इज़ इनडिटर्मिनेट टाइप ऑफ वेराइटी। ठीक है, उसके है Payur 1, इट इज़ क्रॉस बिटवीन पूसा रूबी एंड CO3 एंड इट इज़ अ रेन फेड वेराइटी। ओके, इट इज़ रेन फेड वेराइटी। नाउ वेराइटीज़ फ्रॉम MPKV राहुरी, राहुरी से जो वेराइटीज़ इंट्रोड्यूस हुई हैं दैट इज़ फूले राजा एंड धनाश्री। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें कुछ म्यूटेंट वेराइटीज़ हैं। सो म्यूटेंट वेराइटीज़ में है CO3, ठीक है, इट इज़ मरुथम एंड इट इज़ अ म्यूटेंट ऑफ CO1। उसके बाद है S12, इट इज़ एक्सरे म्यूटेंट ऑफ सायोक्स, एंड PKM1, इट इज़ म्यूटेंट ऑफ अनानजी एंड इट हैज़ ग्रीन फ्लैश टाइप एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। ओके, आफ्टर दैट पूसा लाल मिरुथी एंड इट इज़ गामा रे म्यूटेंट ऑफ मिरुथी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखें नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो वेराइटीज़ में, हम वो वेराइटीज़ देखते हैं। ठीक है, वेराइटीज विद इंपॉर्टेंट फीचर्स दैट इज सूटेबल फॉर नॉर्दर्न प्लेन्स, मतलब मेनली नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर कौन सी वेराइटी लगाते हैं, पूसा रूबी, पूसा रोहिणी, पूसा 120 एंड पूसा उपहार। ठीक है, जनरली नॉर्दर्न प्लेन में हम डिटर्मिनेट वेराइटी लगाते हैं। ठीक है, जो मेनली डिटर्मिनेट वेराइटी है वो हम साउदर्न साइड में लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखें हम डिटर्मिनेट टाइप वेराइटी कौन कौन सी थी, ये हमने पहले ही देख चुके हैं। ठीक है, इनडिटर्मिनेट टाइप भी हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद है सूटेबल फॉर हिल्स, हिल्स के लिए जो सूटेबल है वो है सायोक्स, बेस्ट ऑफ ऑल एंड मारग्लोब। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं विच वेराइटी इज सूटेबल फॉर हिल एंड विच इज़ फॉर नॉर्थ साइड, विच इज़ फॉर साउथ साइड, विच इज़ रेजिस्टेंस टू निमेटोड एंड अदर डिजीज। ओके, सो हाई बीटा कैरोटीन वाली वेराइटी कौन सी है, कैरोरिच। ओके, उसके अलावा पार्थिनोकार्पिक वेराइटी है सेवरिएनिन, तो पार्थिनोकार्पिक वेराइटी है सेवरिएनिन एंड सूटेबल फॉर प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के लिए कौन कौन सी है, रोमा S152, पूसा शीतल, NDT 120, 101 एंड पंत बहार। उसके अलावा है मेलका शोला एंड मेलका, दीज आर द वेराइटीज़ फॉर प्रोसेसिंग। उसके बाद देखें फ्यूजरियम फील्ड से जो रेजिस्टेंस हैं उनके अंदर आती है मारग्लोब, रूटगर्स, परिचार्ड एंड नेक्स्ट है मनल्यूसी। ठीक है, दीज आर रेजिस्टेंस टू फ्यूजरियम विल्ड। नेक्स्ट है रूट नॉट नेमाटोड रेजिस्टेंट वेराइटी दैट इज पूसा 120, हिसार ललित, नीमाटेक्स एंड अनाहू, दीज आर द वेराइटी रेजिस्टेंस टू नेमाटोड्स। एंड नेक्स्ट है बैक्टीरियल विल्ड से रेजिस्टेंस, उसके अंदर आती है अर्का आलोक, अर्का अभिजीत एंड अर्का श्रेष्ठा। सो नेक्स्ट हम देखें ट्रिपल डिजीज रेजिस्टेंस किस में है, मतलब ट्रिपल डिजीज रेजिस्टेंस किस वेराइटी में, टोमेटो लीफ कर्ल वायरस से रेजिस्टेंस है, बैक्टीरियल विल्ड से रेजिस्टेंस है और अर्ली ब्लाइट से भी रेजिस्टेंस है, दैट इज अर्का सम्राट। ठीक है, अर्का सम्राट हैव ट्रिपल डिजीज रेजिस्टेंस। नेक्स्ट बात करें हम कुछ हाइब्रिड जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में है, पब्लिक सेक्टर में कौन कौन से हैं, अर्का विशाल है, अर्का अभिजीत है और पूसा दिव्या। पूसा दिव्या इज F1 हाइब्रिड डेवलप्ड यूजिंग मेल स्टेरलाइन, ठीक है, मेल स्टेरलाइन लाइन को यूज करके इसको डेवलप किया है। उसके अलावा जो पब्लिक सेक्टर में अर्का वरदान है और राजश्री है। नेक्स्ट हम देखें प्राइवेट सेक्टर हाइब्रिड जो है उनके हैं नवीन, मीनाक्षी, कृष्णा एंड अविनाश एंड मनीषा, दीज आर प्राइवेट सेक्टर हाइब्रिड्स। ठीक है,
नाउ वी कम टू क्लाइमेट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप. ठीक है, अब क्या है क्लाइमेट रिक्वायरमेंट, क्या क्या है इसकी, किस किस टेम्परेचर पे इसको कौन कौन सी प्रोसेस होती है. ठीक है, उसके बाद हम देखें ये क्या है, वार्म सीजन क्रॉप है. ठीक है, वार्म सीजन है, गर्म इलाकों में लगाई जाती है ये हमेशा. ठीक है, नीदर टॉलरेंट टू फ्रॉस्ट एंड नॉट टू वाटर लॉगिंग, मतलब ये गर्म इलाकों की है. ठीक है, वार्म सीजन है तो उसमें क्या होगा, ये इसको फ्रॉस्ट से भी हानि होगी और इसको वाटर लॉगिंग से भी हानि होती है. ठीक है, उसके बाद देखें नॉट परफॉर्म वेल इफ द टेम्परेचर गोज अबव 35 डिग्री सेल्सियस और बिलो 15 डिग्री सेल्सियस, मतलब अगर टेम्परेचर 35 डिग्री से भी ज़्यादा है दिन में तो क्या होगा, अच्छे से ग्रो नहीं करेगी, और रात में अगर 15 डिग्री सेल्सियस से कम है तो भी ये अच्छे से ग्रो नहीं करेगी. उसके बाद देखिए ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज इसकी क्या होनी चाहिए, दैट इज बिटवीन 20 to 24 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, मीन टेम्परेचर जितना हमें चाहिए, ठीक है, डिजायरेबल जो मीन टेम्परेचर है वो है 16 से 27 तक. ठीक है, इससे कम और इससे ज़्यादा हम टेम्परेचर इसके डिजायरेबल नहीं है, मतलब बिलो 16 और अबव 27 टेम्परेचर इज़ नॉट डिजायरेबल इन टोमेटो. उसके बाद हम देखें लाइकोपिन, लाइकोपिन का सिंथेसिस कब हाईएस्ट होता है, मतलब लाइकोपिन जो होती है दैट इज इम्पोर्टेंट पिगमेंट इन टोमेटो, और जो लाइकोपिन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं दैट आर आल्सो इम्पोर्टेंट. ठीक है, तो मेनली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लाइकोपिन से भी पूछे जाते हैं, तो लाइकोपिन इज हाईएस्ट एट 21 to 24 डिग्री सेल्सियस. अगर आपसे पूछा जाए कि लाइकोपिन का सिंथेसिस किस टेम्परेचर पर हाईएस्ट होता है, दैट इज 21 to 24, एंड इसका प्रोडक्शन कब कम हो जाता है, अबाउट 27 डिग्री. अगर 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. बात करें इसका अगर 40 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, लाइकोपिन सिंथेसिस होगा ही नहीं. ठीक है, और ये क्या है, सेंसिटिव टू फ्रॉस्ट एंड वाटर लॉगिंग, जो हम पहले ही देख चुके हैं. नेक्स्ट इसकी बात करें हम सॉइल की. ठीक है, सो सॉइल जो है मेनली हम टोमेटो को हर प्रकार की सॉइल पे लगा सकते हैं. ठीक है, एक टोमेटो क्या होता है, टोमेटो एक डे न्यूट्रल प्लांट होता है, लेकिन फोटो इनसेंसिटिव है बट थर्मोसेंसिटिव. ओके, सो जो टोमेटो होता है इसको हम लाइट सैंडी से लेके हैवी सैंडी सॉइल, सॉरी हैवी क्ले सॉइल तक हम लगा सकते हैं. इसका पीएच जो होता है वो 6 से 7 के बीच होता है सॉइल का, बट क्या है जो वेल ड्रेन लोमी सॉइल है वो इसकी ग्रोथ के लिए आइडियल सॉइल होती है. ठीक है, जो वेल ड्रेन लोमी सॉइल है दैट इज आइडियल, एंड फॉर अर्ली क्रॉप, अर्ली क्रॉप के लिए जो सैंडी लोम सॉइल है दैट इज बेस्ट. ठीक है, उसके बाद हम देखें सीड की शोइंग कब करते हैं इसकी. ठीक है, जो टोमेटो हमने देखा एक डे न्यूट्रल प्लांट है, हम इसको किसी भी सीजन में ग्रो कर सकते हैं, बट सीजन में ग्रो तो कर सकते हैं लेकिन ये थर्मोसेंसिटिव है, तो हमें देखना पड़ेगा कि टेम्परेचर फ्लक्चुएशन कब ज़्यादा है कब कम है, उसके हिसाब से हम इसको ग्रो करते हैं. तो मेनली नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर हम इसको 3 बार लेते हैं. ठीक है, लेकिन जो रबी के अंदर हम क्रॉप लेते हैं वो फ्रूटफुल नहीं होती है, तो मेनली नॉर्दर्न में तो 2 ही टाइम इसको जनरली लिया जाता है, साउथ में 3 बार लिया जाता है, पर हम इसको नॉर्थ में भी 3 बार लगा लेते हैं. ठीक है, बट रबी के अंदर इतना अच्छा प्रोडक्शन नहीं होता है, दैट इज़ नॉट सो फ्रूटफुल. इसके अंदर 3 जो सीजन होते हैं हम कब लगाते हैं, फर्स्ट रेनी ऑटम सीजन में, मतलब खरीफ में जो हम लगाते हैं वो जून जुलाई के अंदर लगाते हैं. ठीक है, नर्सरी रेज करते हैं और नर्सरी लगाने के 1 महीने के बाद हम उसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं. ठीक है, फिर ऑटम विंटर के अंदर, ठीक है, ऑटम विंटर में हम सितंबर अक्टूबर के अंदर लगाते हैं. स्प्रिंग समर जो जायद सीजन है उसके अंदर हम जनवरी या फरवरी के अंदर लगाते हैं. ठीक है, उसके बाद हम देखें हिल्स के अंदर इसको कब लगाते हैं. हिल्स के अंदर डिपेंड करता है कि एलिवेशन कितना है, कम है या ज़्यादा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा. ठीक है, सो लोअर हिल्स जो है, लोअर हिल्स के अंदर हम फेब मार्च में लगाते हैं, और जो हायर हिल्स हैं उसमें हम मार्च से अप्रैल के अंदर. ठीक है, बात करें हम इसके सीड रेट की. सो जो सीड रेट है इसका नर्सरी रेजिंग के लिए, अगर ओपन पोलिनेटेड वेराइटी है उसके लिए है 300 टू 400 ग्राम पर हेक्टेयर, एंड इफ़ वी आर यूजिंग फॉर सीड हाइब्रिड सीड रेट, हाइब्रिड के लिए कितना है 125 से 150 ग्राम पर हेक्टेयर. ठीक है, फिर हम बात करें सीड ट्रीटमेंट की. जो टोमेटो क्रॉप होती है उसके अंदर एक डीजी आती है, डैम्पिंग ऑफ. ठीक है, आगे हम उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे. सो डैम्पिंग ऑफ से बचाने के लिए सीडलिंग को हम सीड ट्रीटमेंट करते हैं इसका. ठीक है, टू अवॉइड डैम्पिंग ऑफ हम सीड ट्रीटमेंट किस किस से करते हैं, थीरम से कर सकते हैं और कैप्टान से हम कर सकते हैं.
दैट इज 2 to 3 gram पर kg ऑफ सीड। सो सीड ट्रीटमेंट हम करते हैं कैप्टानोर थीरम से। उसके बाद हम देखें टेस्ट वेट कितना होता है टोमेटो के सीड का। जो टोमेटो के सीड का टेस्ट वेट है दैट इज 3.3 gram। ठीक है, टेस्ट वेट क्या होता है, जो 1000 seed का वेट जो होता है वो क्या होता है, टेस्ट वेट होता है। ठीक है, तो टोमेटो का 1000 seed का वेट कितना है, 3.3 gram। उसके बाद हम इसकी नर्सरी रेजिंग के बारे में बात करें। जिसकी नर्सरी रेजिंग के लिए हमें अप्रोक्स 250 meter square का एरिया 1 hectare के लिए सफिशियंट है। ठीक है, उसके बाद हम देखें कि कितने दिन के बाद ये तैयार होते हैं। लगभग 4 to 6 weeks के बाद ये क्या हो जाते हैं, ट्रांसप्लांटिंग के लिए ये तैयार हो जाते हैं। जनरली जो भी क्रॉप्स होती हैं, उन जो नर्सरी वाली क्रॉप होती है उनमें 1 महीने के बाद क्या है, हमारी क्रॉप तैयार हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हम देखें जो अगर हमें ट्रांसप्लांटिंग करनी है तो हम क्या करते हैं, हार्डनिंग करते हैं बिफोर ट्रांसप्लांटिंग। ठीक है, सो जब हम टाइप ऑफ नर्सरी रेजिंग पढ़ेंगे उनके अंदर ये सारी टर्म्स हम अच्छे से करेंगे। तो हार्डनिंग में क्या होता है कि जैसे अगर हम नर्सरी में कोई क्रॉप लगा रहे हैं तो वो हम उसको पर्टिकुलर इन्वायरमेंट दे रहे हैं, जिस जैसा इन्वायरमेंट उसको चाहिए ग्रोथ के लिए। ठीक है, बट बिफोर ट्रांसप्लांटिंग हम क्या करते हैं, उसको वो सारी सुविधाएँ उसकी ख़त्म कर देते हैं। मतलब उसको कम पानी देते हैं, उसको मतलब हाई टेम्परेचर या अदर केमिकल्स हम पानी में डाल देते हैं, सोडियम क्लोराइड डाल देते हैं। सो इस टाइप से हम उसको बाहर के इन्वायरमेंट से लड़ने की शक्ति देते हैं, तो दैट इज हार्डनिंग। ठीक है, उसके बाद देखें स्पेसिंग। इसके अंदर स्पेसिंग की बात करें तो इसके अंदर स्पेसिंग 60 to 45 centimeter ले सकते हैं, 75 to 60 ले सकते हैं, या फिर 75 to 75 centimeter ले सकते हैं। ठीक है, इट कैन बी ग्रोन ऑन फ्लैट और रेज बेड। ठीक है, जनरली जो इनडिटर्मिनेट होते हैं उनके अंदर हम ज़्यादा ले लेते हैं, डिटर्मिनेट में हम थोड़ी कम ले लेते हैं। ठीक है, फिर बात करें हम इसकी मैन्योरिंग की और फर्टिलाइजर की। तो मैन्योरिंग में इसमें FYM जो इनकॉर्पोरेट करते हैं जब हम फील्ड प्रिपरेशन करते हैं उस टाइम पे, तो इसके अंदर 20 से 25 टन पर हेक्टेयर हम FYM लेते हैं। नाइट्रोजन इसके अंदर 100 kg पर हेक्टेयर होता है, एंड पोटाश सॉरी फॉस्फोरस के अंदर 60 kg पर हेक्टेयर लेते हैं। एंड बात करें हम पोटाश की, दैट इज अप्रोक्स ऑल्सो 60 kg पर हेक्टेयर। ठीक है, सो मेनली आपको डायरेक्ट जो ये कंसंट्रेशन जो हमने दी है ये इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब ज़्यादातर ये नहीं पूछा जाता, ज़्यादातर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस माइक्रोन्यूट्रिएंट से की ज़्यादा ज़रूरत होती है क्रॉप को। तो जैसे इसके अंदर जो जिंक की, कॉपर की और बोरोन की ज़रूरत ज़्यादा होती है टोमेटो क्रॉप के अंदर। ठीक है, तो ये क्या होता है, जो जिंक कॉपर बोरोन होते हैं इसके अंदर क्या इंक्रीज़ करते हैं, नंबर ऑफ़ फ्रूट्स पर प्लांट इंक्रीज हो जाएंगे और इसकी इल्ड को और क्वालिटी को ये इंक्रीज करेगा। सो ये जो पॉइंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट बात करें जो टोमेटो वो क्या है, एक जिंक लविंग प्लांट है, इसको जिंक बहुत पसंद है। ठीक है, जिंक कहाँ कहाँ यूज होता है, जिंक इसकी मेनली एंजाइम एक्टिविटीज़ के अंदर यूज होता है, क्लोरोफिल सिंथेसिस में यूज होता है। ठीक है, सो जिंक का एक महत्वपूर्ण रोल होता है इसके अंदर। उसके बाद बात करें एप्लीकेशन ऑफ 20 to 30 kg ऑफ बोरेक्स करते हैं इसके अंदर, और 0.5% जिंक इसके अंदर हम डालते हैं टू इंक्रीज द यील्ड एंड गुड क्वालिटी ऑफ फ्रूट। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है दिज आर इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट बात करें इसके अंदर इरीगेशन की। इरीगेशन के अंदर देखें समर के अंदर हम इसके अंदर 5 to 7 दिन के अंतराल पे इरीगेशन करते हैं, और विंटर में हम 10 to 15 दिन के अंतराल पे इसके अंदर इरीगेशन करते हैं। मेनली हम इसको रिजेस पे ग्रो करना पसंद करते हैं, तो इसके अंदर फरो इरीगेशन जो है वो मोस्ट कॉमन है, मोस्ट वाइडली जो यूज होता है दैट इज़ फरो इरीगेशन। ठीक है, और जनरली जो पॉली हाउस के अंदर हम यूज करते हैं दैट इज़ ड्रिप इरीगेशन। ठीक है, और ड्रिप इरीगेशन जो इरीगेशन एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, सो ड्रिप इरीगेशन इज बेनिफिशियल ओवर फरो इरीगेशन। उसके अलावा हम स्प्रिंकलर इरीगेशन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इरीगेशन फॉलोइंग अ पीरियड ऑफ मॉइस्चर स्ट्रेस, मतलब इरीगेशन दिया उसके बाद क्या है, मॉइस्चर स्ट्रेस आ गया तो कौन सी डिजीज डेवलप हो सकती है, ब्लोजम एंड रोट। ठीक है, हम इसको आगे पढ़ेंगे, ब्लोजम एंड रोट आ सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम वीड कंट्रोल की। वीड कंट्रोल में सिंपल है कि इसके अंदर 30 to 45 दिन के बाद हम क्या कर देंगे, 2 बार इसके अंदर निराई गुड़ाई कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट फोर्टनाइट पे या फिर थर्ड फोर्टनाइट के ऊपर हम कर देंगे।
उसके बाद इसके अंदर हम मेट्रीब्यूजिन या फ्लोक्लोरिन यूज कर सकते हैं 1.25 केजी पर हेक्टेयर, या फिर पेंडामिथाइलिन यूज कर सकते हैं एज ए प्री इमरजेंस प्री इमरजेंस दैट इज 1 केजी पर हेक्टेयर। ठीक है, ये क्या थी, इसके वीडिंग थी। ठीक है, उसके बाद हमने स्टेकिंग देख लिया था कि स्टेकिंग मेनली हम सेमी डिटर्मिनेट के लिए यूज करते हैं या फिर हम इनडिटर्मिनेट वेराइटीज के लिए यूज करते हैं ताकि इनकी यील्ड इंक्रीज हो सके। ठीक है, प्रॉपरली ये फ्रूट बन सके इनके अंदर, क्योंकि ये अगर हम इनके अंदर स्टेकिंग नहीं देंगे तो इतनी बड़ी वाइन को हम कहाँ रखेंगे। ठीक है, अगर ज़मीन पर रखेंगे तो अदर फंगल रोग जो फंगल डिजीज हैं वो आ जाएंगी। तो इसके लिए मेनली स्टेकिंग किसके लिए होती है, सेमी डिटर्मिनेट या इनडिटर्मिनेट के लिए। उसके बाद हम बात करें ग्रोथ रेगुलेटर्स और केमिकल्स की। ठीक है, ग्रोथ रेगुलेटर्स और केमिकल्स, जैसे इथेपोन है, ये कॉमन नेम है, एंड दीज आर केमिकल नेम 2-chloroethylphosphonic acid। सो इथेपोन जो है वो क्या करता है, अगर हम इसको 200 से 500 मिलीग्राम पर लीटर, ये डोजेज जो है ये सारे किस में है, मिलीग्राम पर लीटर में है, 200 to 500 हम होल प्लांट स्प्रे करते हैं तो फ्लावर इंडक्शन करता है एंड बेटर रूटिंग एंड सेटिंग ऑफ प्लांट। ठीक है, सॉरी सेटिंग ऑफ फ्रूट और प्लांट ऑल्सो। फिर देखिए साइकोसेल जो है, साइकोसेल अगर हम 100 to 500 मिलीग्राम यूज करते हैं तो क्या होता है, फ्लोवर बर्ड इनिशिएट होता है, स्टिमुलेट पिगमेंट फॉर्मेशन एंड इंक्रीज फ्रूट सेट। तो ये सारे अलग अलग जो ग्रोथ हॉर्मोन्स हैं उनके फंक्शंस हैं। उसके बाद 2,4-D जो होता है, 2,4-D क्या करता है, फ्रूट सेट को इंक्रीज करता है, अर्लीनेस के लिए होता है और पार्थिनोकार्पी के लिए होता है। उसके बाद IBA है और IAA है, IBA और ये इनको हम 5 to 100 मिलीग्राम पर लीटर हम इनको जब फोलियर स्प्रे करते हैं तो इट इंक्रीज फ्रूट सेट एंड इंक्रीज फ्रूट साइज एंड यील्ड। ठीक है, उसके बाद NAA है, NAA का स्प्रे करता है, इट इंक्रीज फ्रूट सेट एंड यील्ड। ऑल्सो PCPA जो होता है वो भी फ्रूट सेट में और जो एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं उससे बचाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें GA की, GA जो है दैट इलोंगेट शूट ग्रोथ एंड इंक्रीज फ्रूट यील्ड। तो ये सब क्या थे, हमारे फंक्शंस थे हॉर्मोन्स के, जो ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं और केमिकल्स हैं। उसके बाद हम देखें अदर इंटरकल्चरल ऑपरेशन क्या क्या यूज करते हैं, हम मल्चिंग कर देते हैं। ठीक है, मल्चिंग किस लिए होती है, एक तो उसके टेम्परेचर को फ्लैक्चुएट करने के लिए, अगर ठंड है तो वो ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, अगर गर्मी है तो वो उसको ठंडा रखेगा उसके लिए। उसके बाद ये वीड की ग्रोथ को सप्रेस करता है और मॉइस्ट जो सॉइल मॉइस्चर होता है उसको क्या करता है, कंजर्व करता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या है, ऑर्गेनिक मल्चिंग कब यूज करते हैं, जैसे स्ट्रॉ यूज कर लिया हमने ऑर्गेनिक मल्चिंग में, इट रिड्यूसेस द सॉइल टेम्परेचर ड्यूरिंग द समर। तो ऑर्गेनिक मल्चिंग जो है वो जनरली हम समर में यूज करते हैं। उसके बाद है प्लास्टिक मल्चिंग, प्लास्टिक मल्चिंग है वो हम यूज करते हैं मेनली सॉइल टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए विंटर के दौरान। ठीक है, फिर हम देखें प्रूनिंग और ट्रेनिंग, प्रूनिंग और ट्रेनिंग की बात करें तो जनरली प्रूनिंग और ट्रेनिंग किस में होती है, इंडिटर्मिनेट टाइप में होगी। ठीक है, और ये क्या करती है, एपिकल डोमिनेंस को भी ब्रेक करती है। ठीक है, एपिकल डोमिनेंस ज़्यादा हो रही है तो ये एपिकल डोमिनेंस हो रही है तो ये उसको ब्रेक करेगी। मेनली जो सिंगल स्टेम ट्रेनिंग है वो हम जनरली यूज करते हैं इंडिटर्मिनेट टाइप में, वो कॉमनली यूज होती है। उसके अलावा अदर टाइप की है, जैसे कि 2-stem ट्रेनिंग है, ये 2-stem रख दिए, बाकी के सारे रिमूव कर दिए, 3-stem ट्रेनिंग है। ठीक है, और ये 1-stem ट्रेनिंग है। ठीक है, ये ट्रेनिंग जैसे इसके पिक्चर में आप देख सकते हैं, तो दीज आर ट्रेनिंग सिस्टम्स, कैसे हम ट्रेनिंग करते हैं। मेनली ये इंडिटर्मिनेट टाइप में होती है, पॉली हाउसेज के अंदर करते हैं हम। उसके बाद देखें हार्वेस्टिंग के बारे में, हार्वेस्टिंग के बारे में देखें तो जो इंडिटर्मिनेट टाइप है उनके अंदर हार्वेस्ट कर सकते हैं 70 to 100 दिन के अंदर। ठीक है, एंड डिटर्मिनेट टाइप में हम 70 दिन के बाद, प्लांटिंग के 70 days के बाद हम क्या कर सकते हैं, हार्वेस्ट कर सकते हैं। सो अब हम देखें इसको हम किस किस स्टेज पे हार्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी हार्वेस्टिंग स्टेज है, इस सबसे पहले है मैच्योर ग्रीन स्टेज। ठीक है, मैच्योर ग्रीन है मतलब हमने उसको पहले मैच्योर होने से पहले ही तोड़ लिया। तो हमने ऐसा क्यों किया कि ताकि मार्केट के अंदर हम अपने जो टोमेटो है उसको जल्दी ले जा सकें, जल्दी अवेलेबिलिटी होगी तो हमें मार्केट प्राइस अच्छा मिलेगा। सो एट दिस स्टेज टोमेटो हार्वेस्टेड फॉर अर्ली अवेलेबिलिटी इन द मार्केट। ठीक है, इट गेन इन हाई प्राइस, जो ये टोमेटो होंगे इनको हाई प्राइसेस मिलेंगे क्योंकि टोमेटो है ही नहीं मार्केट में, लोग टोमेटो चाहते हैं, तो उसके लिए क्या है, हमने इसको अर्ली स्टेज के ऊपर ही तोड़ लिया। उसके बाद आती है ब्रेकर स्टेज, ब्रेकर स्टेज जो होती है वो डिस्टेंस मार्केटिंग पे। ठीक है, अभी ये क्या है,
हल्का ब्रेकस से है, पूरा ग्रीन ही है इसमें, हल्का हल्का रंग इसका रेड की तरफ होना शुरू ही हुआ है, हुआ नहीं है। सो दैट इज ब्रेकर स्टेज, और इसमें डिस्टेंस मार्केटिंग के लिए होते हैं, और टर्निंग स्टेज जो होती है ये भी क्या होती है, डिस्टेंस मार्केटिंग के लिए होती है। टर्निंग स्टेज पे है क्या है, कलर चेंज होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ये दोनों ग्रीन स्टेज होती हैं, ब्रेकर स्टेज और मैच्योर ग्रीन स्टेज, ठीक है। उसके बाद बात करें पिंक स्टेज की, पिंक स्टेज जो होती है, पिंक स्टेज में अगर सॉरी पहले अगर टर्निंग स्टेज में हम बात करें तो इसमें 1/4 कलर आ जाता है, 1/4 कलर आना शुरू हो जाता है। अब जो पिंक स्टेज इसमें क्या होता है, 3/4 कलर आ जाते हैं, ठीक है। सो ये हल्का हल्का रेड होना शुरू हुआ है, और जो पिंक स्टेज है ये स्टेज मेनली किसके लिए होती है, लोकल मार्केटिंग के लिए, ठीक है। और जब हमने पहले पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा एसिड किस स्टेज पर मिलता है इसके अंदर, ठीक है, पिंक स्टेज पे मिलता है। और उसके बाद हम देखें नेक्स्ट है हमारी राइप स्टेज, राइप स्टेज जो है उसके अंदर क्या होता है, जो टोमेटो को हम किस लिए हार्वेस्ट करते हैं, राइप स्टेज होगी, अब हम उसको खा सकते हैं मतलब, तो हम उसको सैलेड के लिए या फिर फ्रेश ईटिंग के लिए, ठीक, टेबल पर्पजेज के हम उसको यूज़ करते हैं, ओके। आफ्टर दैट है हमारी ओवर राइप स्टेज, ओवर राइप स्टेज मतलब अब राइपनिंग ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है, अब वो खाने लायक नहीं रही है, लेकिन हम उससे क्या कर सकते हैं, प्रोसेसिंग कर सकते हैं। अब आपने देखा होगा प्रोसेसिंग जब हम करते हैं तो मेनली हमें पल्प चाहिए होता है, ठीक है। पल्प इजीली किस में मिलेगा, ओवर राइप स्टेज में मिलेगा, मतलब ओवर राइप स्टेज में क्या होता है, जब हम टोमेटो को काटते हैं तो पानी पानी हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर हम इजीली पल्प को रिमूव कर सकते हैं। तो ओवर राइप स्टेज जो होती है दैट इज गुड फॉर प्रोसेसिंग पर्पज, ओके। नेक्स्ट हम देख सकते हैं इस पिक्चर में जो मैच्योरिंग डिशेज हैं टोमेटो के लिए क्लासिफाइड बाय USDA, ठीक है। सो इसके अंदर हाँ जैसे पहले ग्रीन स्टेज वन, इसके अंदर ये पूरा ग्रीन है देख सकते हैं आप, फिर है ब्रेकर स्टेज, ठीक है, उसके बाद है टर्निंग स्टेज, ये अब हल्का हल्का टर्न होना शुरू हो गया है, 1/4 ये कलर इसके अंदर आ गया है। उसके बाद है पिंक स्टेज जिसके अंदर थर्ड फोर्थ कलर आ गया है। आफ्टर दैट लाइट रेड जो हम टेबल पर्पजेज के लिए यूज करते हैं, एंड देन रेड स्टेज जो प्रोसेसिंग के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसकी बात करें यील्ड की, सो यील्ड इसके अंदर लोकल वेराइटीज के अंदर देखें तो कितनी हो सकती है, 300 से 350 क्विंटल पर हेक्टेयर, और इसको हम 30 से 35 टन पर हेक्टेयर भी बोल सकते हैं। उसके बाद हाइब्रिड वेराइटीज हैं उनकी कितनी होती है, 500 से 600 क्विंटल पर हेक्टेयर, ठीक है। ये है यील्ड जो टोमेटो वेराइटीज़ की है। बाद में हम देखें कि टोमेटो को हम स्टोर कैसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है, टोमेटो को किस टाइप से हम स्टोर कर सकते हैं। जो टोमेटो है दैट कैन बी स्टोर इन लोअर टेम्परेचर एंड इवापोरेटिव कूल स्टोरेज, ठीक है, इवापोरेटिव कूलर स्टोरेज के अंदर इसको हम कर सकते हैं। मेनली टोमेटो के अंदर हम देखें जो मैच्योर ग्रीन स्टेज होती है, ठीक है, उसको हम इजीली इसको स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, मैच्योर ग्रीन स्टेज है, इसको हम इजीली स्टोर करते हैं, अब हमें कोई डर नहीं है कि हमारा फ्रूट जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो मेनली हम इसको मैच्योर ग्रीन स्टोर पे स्टोर करते हैं एट 12-13 डिग्री सेल्सियस पॉलीथीन बैग्स के अंदर, जो कि 100 ग्राम थिकनेस के होते हैं, और इसको हम स्टोर कर सकते हैं 4 से 5 वीक के लिए, ठीक है। उसके बाद है हम इसका कूल चैम्बर स्टोरेज भी यूज कर सकते हैं, जो कि इसकी सेल्फ लाइफ को इंक्रीज कर देगा, ठीक है, ड्यूरिंग समर सीजन। तो ये क्या था हमारा स्टोरेज। और अब बात आती है सीड प्रोडक्शन की, नेक्स्ट हम इसके अंदर देखें सीड प्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है, तो मेथड ऑफ सीड प्रोडक्शन। सो जो हम सीड प्रोड्यूस करते हैं वो हम सीड को ही हम लगाते हैं और सीड को ही हार्वेस्ट करते हैं, तो इसके अंदर जो मेथड होता है वो क्या होता है, सीड टू सीड मेथड। आफ्टर दैट वी सी आइसोलेशन रिक्वायरमेंट, ठीक है, एक आइसोलेशन डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है क्रॉप की, ताकि उसके अंदर कंटामिनेशन ना हो, ताकि दूसरी वेराइटीज से उसके अंदर पोलिनेशन ना हो जाए, या फिर कोई और जो वेराइटीज हैं इसके रिलेटेड उनसे इसके अंदर कंटामिनेशन ना हो, उसके लिए हम आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन रखते हैं। मेनली जो सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप होती हैं उनके अंदर जो आइसोलेशन डिस्टेंस होता है वो कम होता है, और जो क्रॉस पोलिनेटेड होती हैं उनके अंदर क्या होता है, आइसोलेशन डिस्टेंस ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि क्रॉस पोलिनेशन के अंदर जो पोलन मेनली बाहर से आते हैं उससे पोलिनेशन होने के चांसेज क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, और सेल्फ पोलिनेशन के अंदर क्रॉस पोलिनेशन के चांसेज कम होते हैं, ठीक है। सो हम फाउंडेशन सीड के लिए इसके अंदर देखें तो इसके अंदर 50 मीटर डिस्टेंस ही होता है, और सर्टिफाइड सीड के लिए इसके अंदर होता है 25 मीटर डिस्टेंस, ठीक है, ये वेराइटीज़ के लिए है।
सो हम यहाँ देख सकते हैं कि फाउंडेशन सीड के लिए अंदर हम क्या होते हैं, ज़्यादा आइसोलेशन डिस्टेंस यूज कर रहे हैं, और जो सर्टिफाइड सीड है उसके लिए हम कम आइसोलेशन डिस्टेंस यूज कर रहे हैं, क्योंकि जो फाउंडेशन सीड्स होते हैं वो ज़्यादा प्योर होते हैं किससे, सर्टिफाइड सीड से, ठीक है। उसके बाद हम देखें कि हाइब्रिड्स के लिए आइसोलेशन डिस्टेंस कितना चाहिए हमें, हाइब्रिड्स के अंदर जो फाउंडेशन सीड है होते हैं उनके लिए हम डिस्टेंस लेते हैं 200 मीटर, एंड जो सर्टिफाइड सीड होते हैं उनके लिए 100 मीटर। जो हाइब्रिड्स होते हैं उनके लिए हम जो आइसोलेशन डिस्टेंस होता है वो वैरायटी से ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि हाइब्रिड्स के अंदर जब हम बनाते हैं तो उसके अंदर पर्टिकुलर जो पेरेंट होता है उससे पोलिनेशन की जाती है, ठीक है। तो उसमें चांस होते हैं कि हमारी जो ओवरी है वो किसी और पोलन से कंटामिनेट ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद हम इसके अंदर देखें कि जनरली हम जो मेल स्टेरिलिटी के लिए, जो मेल स्टेरिलिटी प्रोड्यूस करने के लिए हम इसके अंदर केमिकल हाइब्रिडाइजिंग एजेंट्स भी यूज करते हैं, जिसके अंदर है हमारा मैलिक हाइड्राजाइड, जो कि 1000 ppm हम यूज कर सकते हैं, जिससे इसके अंदर मेल स्टेरिलिटी उत्पन्न होगी। उसके बाद है CMS लाइन भी हम इसके अंदर यूज करते हैं, दिस इज साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेराइल लाइन, ओके। उसके बाद हम देखें सीड इल्ड कितनी होती है हमारी, सीड इल्ड इसके अंदर होती है 100 to 120 kg पर हेक्टेयर, ठीक है। अब जनरली हम देखें ऑफ टाइप्स कितना हो सकता है वैरायटी के अंदर और हाइब्रिड के अंदर, जनरली ये सब क्रॉप्स के अंदर ऑलमोस्ट सेम होता है। तो इसके अंदर हम देखें फाउंडेशन सीड के लिए और सर्टिफाइड सीड के लिए, अगर एक वैरायटी है उसके अंदर कंटामिनेशन कितना हो सकता है फाउंडेशन सीड के लिए, 0.1%, और सर्टिफाइड सीड के लिए हो सकता है 0.2%। अब बात करें हाइब्रिड्स की, उसके अंदर ऑफ टाइप्स कितने हो सकते हैं फाउंडेशन सीड के लिए, 0.01%, एंड सर्टिफाइड सीड के लिए 0.05%, ठीक है। हाइब्रिड्स जो होते हैं उसमें हम ज़्यादा प्योरिटी को मेंटेन करते हैं देन वेराइटीज़, ओके। अब इसमें नेक्स्ट हम देखें सीड एक्सट्रैक्टिंग मेथड्स। अब टोमेटो की बात करें तो टोमेटो से हम डायरेक्ट तो सीड निकाल नहीं सकते, जैसे ओकरा है उसमें से हम क्या हुआ कि हमारी भिंडी पक गई और हमने डायरेक्ट सीड एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। बट टोमेटो के अंदर हम डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं सीड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, जैसे पहला मेथड है फर्मेंटेशन मेथड, सेकेंड है अल्कली ट्रीटमेंट, अल्कली ट्रीटमेंट के अंदर हम वॉशिंग सोडा यूज करते हैं, और उसके अलावा है एसिड ट्रीटमेंट मेथड, इसके अंदर हम HCl का यूज करते हैं। तो ये था हमारा सीड प्रोडक्शन, कि कैसे हम सीड प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, उसको कैसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इतना ही कवर करेंगे, बाकी इसके जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, डिजीज़ हैं और पेस्ट हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ओके, थैंक यू।